अब मेरे को पता है तुम्हें बहुत कुछ बोलना है, पहले ये देखो। अरे भाई इसको मारते ही ना इसके टीममेट इतना गुस्सा हो जाते हैं, वो पागलों की तरह घुसे जा रहे जैसे पता नहीं मैंने उनके पैसे चुरा लिए। भाई नीचे बताना कि ये तुम्हें क्लच कैसा लगा। उसके बाद क्या होता है ना, मैं गाड़ी लेकर के जॉर्ज पुल जा रहा होता हूँ, ठीक है। अब इधर तुम सीक्वेंस देखना इवेंट का, मेरे पीछे गाड़ी पड़ी होती, मैं उससे बच करके यहाँ पर स्क्वाड हाउस में आता हूँ। भैया मैं यहाँ आता हूँ, यहाँ अलग स्क्वाड मेरा वेट कर रही है, मतलब मैं जाऊँ तो जाऊँ का, अब दूसरी वाली स्क्वाड वहाँ से मजा लेने का ट्राई कर रही है। और उतने में मैं एक बंदे को यहाँ पर डीपी था तुम्हारा भाई, पता है क्या चिपकाई उठा करके उसको घुटनों के बल बढ़ा दिया तुम्हारे भाई ने, तीसरी स्क्वाड आ जाती। मतलब मैं क्या बताऊँ, बंदे में बंदे आए जा रहे भाई, मतलब मैं तो स्क्वाड हाउस में भाग के आया था भाई, ये तो सारे लोग गुस्सा गुस्सा हो गए भाई लड़ने के लिए आगे मेरे साथ। अब मेरे टीममेट को तो भाई बजा करके उसको फिनिश कर दिया, उसे ऐसा लग रहा था कि मैं उसके पीछे पीछे भाग के ऊपर आऊँगा। मैंने कहा अरे जा अकेले जा नूबड़ी के, जाके मर जा। अब ये देखो ये मजा देखो तुम, ये देखो ये क्या कर रहे हैं, इनको क्या सीन है भाई, इनकी ज़िंदगी में क्या दिक्कत है भाई। इनको मारने के बाद ना एक स्प्रे में आखिरी गोली जो हेड पे लगी, मैंने कहा चलो बच गई, इज्जत बच गई। अब तुम नोटिस करोगे कि इनको मैं मार देता हूँ, लेकिन जो दूसरी स्क्वाड वहां दूर बैठी है ना, वो मेरे जो ऊपर बंदा बैठा उसको पागलों की तरह गोलियां मार रही है। अब उसको लग जाता है डर, वो डर के मारे भाग के आ जाता है नीचे, और वो जब नीचे भाग के आता है तो किंग एंड्रू भैया तो उसका वेट कर रहे हैं कि आप नीचे कब आओगे, हम आपको लॉबी पहुंचाएंगे। अब जैसे ही मैं इसे मारता हूँ ना, दूर वाली स्क्वाड को पता चल जाता है भाई यू नो यहाँ पर जो बंदा है वो हो गया एलिमिनेट, और वो उसका मजा लेने के लिए भाई जो रश होता है मेरे पागलों वाला, मतलब जैसे भाई क्या ही बताओ, मैं तुम देख लो ऐसा घुसते ऐसा घुसते। देखो बात वो ये, ट्राई बहुत अच्छा था बट कोई नहीं, उसके बाद तुम्हारा भाई निकल जाता है। एक फ्लेयर आई थी जॉर्ज पूल में, मैं जा रहा था रास्ते में, मिल गई मेरे को स्क्वाड और इसमें पूरे भाई तीन चार बंदे बैठे हुए, वो मेरे पीछे चिपट गए भाई। मैंने कहा अरे भागो भाई, सही बताओ तो मुझे पता नहीं मैं जिंदा कैसे, मैं झूठ भी नहीं कह रहा भाई मजाक से हट के। और उसके बाद तुम्हारा भाई हो जाता है यहाँ पर लैंड। अब पहली बात तो मैं VSS चलाता नहीं, बट जब मैंने चलाई तो ये देखो भाई एक स्प्रे मारा तुम्हारे भाई ने, दोनों बंदों को लेटा दिया, ठीक है। अब मेरे को पता है बहुत टाइम बाद गेम प्ले वीडियो बना रहा हूँ, आई गेस बहुत ज़्यादा ही टाइम बाद बना रहा हूँ। बहुत सारे लोग बोल रहे थे कि अहमदुर भाई गेम प्ले वीडियो लाओ, तो ले आया भाई तुम्हारा ऐसे पागलों वाला गेम प्ले उठा के लाया ना कि बंदे भाई रो देंगे। ये देखो ये बंदा कहाँ टीपी पे ले रहा था भाई, इसको वैसे पता है पीछे से गोलियां मार रहा हूँ लेकिन तब भी कहीं और देख रहा है, इग्नोर कर रहा है मेरे को। ऐसे इग्नोर करोगे मेरे को, मैं बंदी हूँ आपकी जो इग्नोर कर रहे हो। एनीवेज अब मैं इधर M249 रिलोड करता हूँ भाई, मैं तुम्हें बता रहा हूँ M249 अभी भी गॉड गन है और तुम्हें पता चल जाएगी क्यों। ये देखो ये भी बेचारा लूटम लाटी कर रहा था भाई, तुमको आवाज आवाज आती नहीं आती, हेडफोन कहाँ फेंक के आते हो। अब देखो मेरे ना स्प्रे, अगर मैं बात करूँ तो रेड डॉट का स्प्रे मेरा उतना अच्छा नहीं हो रहा था, लाइक मैं बहुत ट्राई भी कर रहा था, मेरे को अपनी सेंसिटिविटी थोड़ी सी चेंज करनी पड़ेगी क्योंकि मेरी सेंसिटिविटी रेड डॉट की बहुत कम है। आई डोंट नो अपडेट के बाद इतने जो अपडेट आए हैं सेंसिटिविटी बहुत चेंज हो गई गेम की ऑनेस्टली, क्योंकि अब तो मतलब रेड डॉट जो मैं चला रहा था ना हिल भी नहीं रही थी मेरी गन भी, ऐसा लग रहा था कि क्या बताऊँ आसमान में जा रही है भाई मेरी सारे गनों के स्प्रे। अब तुम्हारा भाई तो इसे नचा नचा के मारना चाहता था बट वो इतनी उसी जगह थी ना उधर बैठ के टीवी भी ले रहा था। बट देखो M249 तो भैया जी गार्ड गन थी है और रहेगी, तो उसका तो मतलब टेंशन है नहीं ना ज़्यादा। अब यहाँ पर देखो जो होता है, तुम्हारे भाई को हो जाता है पागलों वाला कॉन्फिडेंस, ठीक है, और वो घुस जाता है। प्रॉब्लम ये थी कि मैं ना दो लड़ती हुई स्क्वाड के बीच में चला गया और मेरे को ना चारों तरफ से गोलियां मारी, मतलब मेरे को तो सही बताओ तो मैं इधर से ठीक ठाक अभी यहाँ खड़ा कैसे हूँ मेरे को कोई आइडिया नहीं है भाई। मतलब जो तुम देखने वाले हो ना तुम मेरे को बता देना कि मेरे को जिंदा बचना चाहिए
कि नहीं बचना चाहिए या मेरी पेटी बन जानी चाहिए, क्या होना चाहिए। ठीक है, तुम ये देखो, मैं इधर आता हूँ M249 लेकर के, ऊपर बंदे को नचाने का ट्राई करता हूँ, उसको नचाने के चक्कर में मैं नच जाता हूँ। भाई तुम मुझे खुद एक चीज बताओ, क्या मेरे को इधर जिंदा बचना चाहिए या नहीं, या मेरे को मर जाना चाहिए? मतलब ऑनेस्टली बताओ, राइट से गोली पड़ रही है, ऊपर से गोली पड़ रही है, मैं नॉक्ड आउट पड़ा हूं, बट ये देखो भाई, ये बंदा है मेरी जिंदगी का हीरो, ये है असली हीरो भाई, नंबर टू प्लेयर रंजीत भाई, आप हो असली हीरो भाई। इसने मेरे को लिटरली 2 स्क्वाड गोलियां मार रहे, उसके बीच में रिवाइव दिया, और तुम्हारा भाई टेलीपोर्ट लेकर डायरेक्ट पार। मैंने कहा अरे भागो यार, यहाँ पर रहा तो पेटी वेटी बना देंगे भैया, गायब कर देंगे, -50 का थप्पड़ लग जाएगा भैया। बड़ी मुश्किल से तो केडी बढ़ाने की कोशिश कर रहा हूँ भैया, 2 केडी से ऊपर जाने का ट्राई कर रहा हूँ, ये बंदा माइनस दे देगा मेरे को। अब मैं डायरेक्ट फॉल बैक करता हूँ, बट तुम्हें ऐसा लगा होगा कि मेरे को बहुत यू नो दिमाग आ गया ये हरकत करके, नहीं मैं वापस से ऐसी सिचुएशन में फंसता हूँ थोड़ी देर बाद, तुम देखते रहो। ठीक है, अब यहाँ पर जो मैं स्प्रे मारता हूँ ना, तुम ये स्प्रे देखो सबसे पहले तो, ठीक है, जो मैं यहाँ पे करने वाला हूँ इस बंदे के ऊपर। अब मुझे पता है बहुत लोग कह रहे हैं एंड्रू भाई ये क्या किया आपने, ये क्या देख लिया मैंने, अरे भैया मेरे को पता है, देखो मैंने पहले ही बता दिया, मेरा रेड डॉट फॉर सम रीजन भाई बहुत कम सेंसिटिविटी मेरे को लग रही थी, मेरी गन हिल नहीं रही थी, मतलब जैसे चलनी चाहिए ना, मेरे को सेंसिटिविटी बढ़ानी पड़ेगी, मैं इस गेम में पुरानी सेंसिटिविटी खेल रहा था। और तुम नोटिस करोगे कि रेड डॉट चलाते हो ना, तुम्हारे भाई का थोड़ा सा अप एंड डाउन हो रहा था भाई, मैं झूठ भी नहीं बोलूंगा। ठीक है, उस बंदे को वैसे मैंने फिनिश तो कर ही दिया, देखो किल की वो केडी का लालच जब होता है ना इंसान को कैप गेम, फिर मैटर नहीं करता सेंसिटिविटी, ठीक है ना, फिर तो कुछ भी हो जाए भयंकर, अगर चाकू वाकू है ना उसी से मार दूंगा मैं नूपड़ी को भाई, अपने किल बढ़ाने के चक्कर में, ऐसी बात नहीं भाई, ठीक है ना। अब तुम्हें पता ना हो तो पता ही होगा, मतलब पोर्टल को तुम शील्ड की तरह भी यूज कर सकते हो, इस पर गोलियां लगती है तो उसके थ्रू जाती नहीं है, तो मैं तो वही कर रहा था, इसके थ्रू टीपी भी ले रहा था, मुझे लगा था कि कुछ ना कुछ तो होगा, लेकिन ये देखो मतलब मैं तो इसका दिमाग पढ़ना चाह रहा हूँ, उसने सोचा क्या, बंदा नीचे खड़ा है, इसको क्या हुआ, उसको लगा कि मैं दूर चला गया टेलीपोर्ट से शायद, आई डोंट नो भाई क्या दिमाग लगाया। अब देखो मैं वापस से ऐसी सिचुएशन में फंस गया, जब मेरे आगे बंदे राइट में, बंदा राइट से गोली मार रहा है मेरे ऊपर, मैंने सोचा चलो उसको नेड़ फेंक देते हैं, बट एंड टाइम पे वो नेड़ का एम ऊपर चला गया यार, अरे क्या। अब उसको तो मतलब मैं ट्राई कर रहा हूँ फोड़ने का, लेकिन लेफ्ट वाला बंदा अब गोलियां मार रहा है मेरे को, मैंने कहा भैया देखो अगर यहां से मेरे को जिंदा बचना है सामने वालों से तो भागना पड़ेगा, लिटरली जाऊँ तो जाऊँगा राइट, जाऊँगा वहां से गोली पड़ेगी, लेफ्ट जाऊँगा उधर से गोली पड़ेगी, तो मैं भागा, मतलब भाग एंड्रू भाग, अपनी जान के लिए तू भाग, अभी नहीं भागा तो कभी भाग नहीं पाएगा, अंधों की तरह भागा मैं। अब भाई ये 2 बंदों को तो तुम्हारे भाई ने बहुत बढ़िया मारा, ये एक्चुअली कैंपिंग कर रहे थे नूपड़ी के, ठीक है। अब जो पहली वाली स्क्वाड थी ना, जिससे मतलब जो सामने जिसके अंदर मैंने एक बंदे को नॉक किया था, वो रिवाइव हो गया, वो भाग जाते हैं, तो तुम्हारा भाई भी भाग के उनके पीछे पीछे पोचिंग किया, आने तो नहीं दूंगा बेटा, कुछ भी कर लेना, भगा के मारूंगा बेटा, ऐसी वैसी बात नहीं है। तो मैंने एक मौली फेंकी नीचे, उसने भी मेरे पे फेंक दी, बट मैंने कहा जल जाऊंगा बट तेरे को लेके जाऊंगा, ठीक है, जल रहा था मैं तब भी नॉक निकाल दिया, जलते जलते नॉक निकाल दिया तुम्हारे भाई ने, ठीक है, उस बंदे को नॉक करा और उसके बाद मस्त हेल्थ मारी। अब देखो क्या होता है ना इस मोड के अंदर, जैसे ही तुम जाते हो मतलब तुम्हें कहीं भी उतार देगा मजाक सट के, मतलब कभी के बाद तुम्हें को स्टॉल पर उतार दिया, मतलब क्या ही बोलूँ मैं, मतलब लिवी की उतार देता मेरे भाई, रैंगली की उतार रहा है, एकदम कोने में उतार देगा मैप के, मतलब सेंस भी नहीं बैठता कभी के बाद, तो क्या बताऊँ मैं। बट इन दोनों को मैंने फिनिश किया भाई, अपने किल कन्फर्म करे। अब मैं बताऊँ इसके बाद क्या होता है कि मेरे को जाना है भैया जी बंदों के पास, क्योंकि मेरे को चाहिए किल भाई, देखो किल की वो कीड़ी का लालच किंग एंड्रू को अंधा बना देता है, नो डाउट इन दैट। ये तुम्हारा भाई बैठा उड़ते हुए कालीन पे, अपने टीममेट को मैंने बोला भैया आप भी आ जाइए, और फिर उड़ते हैं। अब देखो एक तो इसके अंदर ना मेरे पास ऑलरेडी डबल रिवाइव करने की अपॉर्चुनिटी है, खुद को भी और नंबर 2 प्लेयर को भी, मतलब हम लोग बार बार रिवाइव हो सकते हैं, 2 बार वो भी, बट मतलब वो मैटर बैठा नहीं,
वो सीन आया ही नहीं तुम्हारा भाई का, क्या ही बताओ। मतलब तुम देखते जाओ, जो एंडिंग होगी ना तुम देख के शॉक पे चल रहे हो कि एंड्रू भाई ये क्या हो गया। एनीवेज अब मैं यहाँ पर जा रहा था, मुझे लग रहा था जो ऊपर बोट जा रही ना, क्या पता उससे कोई बंदा वगैरह नीचे कूद जाए, बट वैसा हुआ नहीं। और उसके बजाय क्या होता है कि एक आती है गाड़ी, ठीक है। अब तुम्हारा भाई फुल ट्राई हार्ड करता है वापस स्प्रे मारने का, ये देखो गाड़ी आई, मैं उतरा M249 लेके, आ रहे भैया आग लगा देंगे तुम्हारे गाड़ी वाड़ी फोड़ देंगे, बढ़ दिए देखो भाई गोली ही नहीं लगी, क्या करें। फिर एक और गाड़ी आ जाती है, देखो मैं सही बताऊं तो मैं अपने स्प्रे से उतना सेटिस्फाई हूं नहीं, झूठ भी नहीं बोलूंगा मजाक से हट के। मतलब मेरे को ना इससे ज़्यादा अच्छा स्प्रे मारना आता है, फॉर सम रीज़न सेंसिटिविटी की वजह से मेरा स्प्रे उतना बढ़िया जा नहीं रहा था। मतलब मैं पूरे गेम में एक चीज़ नोटिस कर रहा हूँ कि मेरे रेड डॉट का स्प्रे ना बंदे पे जा नहीं रहा है भाई, वो पार्टी करने जा रहा है रेड डॉट का स्प्रे अलग ही घूम रहा है, बंदा शैनॉक में, मैं एम लिविक में कर रहा हूँ, क्या बताऊँ मैं। अब मैं ना इसका इस्तेमाल करके, देखो ये तो एकदम बढ़िया चीज़ है, तुम उड़ती हुई मौत हो लिटरली, इससे कहीं भी आसमान में उड़ते हुए नीचे बंदे स्पॉट कर सकते हो। अब यहाँ पे मेरे को मिल गया बटवा भैया। अब जब मेरे को बॉट का आशीर्वाद मिल गया ना, मैंने कहा अरे अरे अब तो बस लाइफ इज सेट, लाइफ इज सेट कैब गैंग। एक बार बटवा भैया का हाथ लग जाता है ना सिर पे। अब देखो मेरे को एक चीज़ की नॉलेज नहीं थी, ये कालीन के अंदर भी मतलब पेट्रोल लगता है क्या, क्या सीन है, ये उड़ कैसे रहा है। और थोड़ी देर बाद मैं आसमान में खड़ा था, मुझे लगा नहीं था ये फ्यूल कंज्यूम करेगा, यहाँ खड़े खड़े मैं बस TPP ले रहा हूँ, ठीक है। आसमान में तुम्हारा भाई TPP ले रहा है, मस्त ये नीचे गिरना शुरू हो जाता है फ्लाइंग कारपेट मेरा, मैंने कहा अरे भाई ये क्या स्कैम है। एक्चुअली ना मेरा स्क्वाड का बंदा भी आगे ही रुका हुआ था, तो ये जो दूसरी टीम का बंदा है वो उसको मारने जा रहा था, मगर उसे का पता था किंग एंड्रू भैया बॉट की तरह आ रहे हैं भागे भागे मारने उसे, तो मैंने भाग भाग के भाई दे दिया कान के नीचे भाई को एक, और फिर इसको मस्त लूटा। अब इधर से ना तुमको असली M249 की ताकत पता चलने वाली, मतलब लिटरली M249 गॉड गन इसी रीज़न से। तुम्हें अब समझ आने वाला है कि क्यों मैं कहता हूँ M249 का कोई मतलब आसपास कोई गन स्टैंड ही नहीं करती, समझ रहे हो। आज के टाइम में भी बहुत सारे लोग M249 को ऐसे फेंक देते हैं, भाई तुम्हारा भाई ना सारी गनों को उठा के पेलने वाला है, चाहे DBS शॉटगन सबको M249 से बजाने वाला है, ठीक है ना। अब सामने उड़ी तो फ्लेयर ड्रॉप, मैंने कहा भाई फ्लेयर ड्रॉप आया बंदे वगैरह होंगे, मगर मैं तो यू नो यहीं पर ही उतर गया। देखो भाई हाफ HP हो गई, मजा एक्सीडेंट के भाई क्या डैमेज पड़ा है। अब मैं जब दूसरी बार कालीन लेके आसमान में उड़ता हूँ ना, तो मेरे को दिखती है सामने स्क्वाड, वो दिख रहा है ना सामने पेट्रोल पंप, वहाँ पर होते हैं बंदे। मैंने कहा संडे हो या मंडे रोज मारूंगा बंदे, और अपना कालीन लेके उड़ पड़ता हूँ उनके पास। अब तुम्हें पता चलेगा क्यों, वाई M249 इज दी गॉड गन। भाई ने ऐसा ड्रॉप शॉट मारा ना, एक ड्रॉप शॉट में उनका करियर खत्म कर दिया, झूठ भी नहीं कह रहा हूँ। ये ड्रॉप शॉट देखो तुम, भाई साहब ये जो हुआ है ना, ये जो हुआ है ना भाई, मेरे को मतलब भरोसा भी नहीं हो कि मैंने तीसरे वाले बंदे को ड्रॉप शॉट में लाइन में उतार दिया, ठीक है। M249 भाई गोलियां बहुत है ना, मारते जाओ चाहे 10 गोली 15 गोली मिस भी हो जाए, क्या फर्क पड़ता है, भयंकर 100 गोलियां मारते जाओ ऐसी तैसी। अब तो ना मतलब मेरे पे लाइनों में बंदे आए जा रहे, मैंने कहा भाई ये क्या चल रहा है, पबजी के देवता बहुत ज्यादा खुश हो गए क्या मेरे से, सारे बंदे मेरे पे फेंके जा रहे हो, तुम्हें लग रहा होगा कि ये आखिरी स्क्वाड है, बट यहाँ पर ये देखो मतलब मेरे सामने वो बंदा लेटा हुआ है घुटनों के बल। भाई मेरे को लगा असली बंदा है, मेरी फट गई एक बारी को, मैंने कहा मेरे टीममेट ने बचा लिया, पता नहीं क्या सीन था, वो कब से नॉक पड़ा है या असली बंदा है कि कब नॉक हुआ है पता नहीं भाई, सही बताऊँ तो मेरे को नोटिस ही नहीं किया। अगर वो सही में ठीक ठाक होता ना मेरे को फिनिश कर देता मार के। अब तुम्हारा भाई यहाँ पे ना बग्गी में भाग के जा रहा था, मगर इतने में एक और बंदे एक और ड्यूओ एक और स्क्वाड आ जाती है, ये देखो I
हैव नो आइडिया मेरे को किल कैसे मिल रहे हैं, मतलब ये दोनों बंदे मैंने मारे कैसे मेरे को सही में नहीं पता है भाई। मतलब मैंने तो सारी गोली ऐसी आसमान में उड़ा दी थी, वो दोनों जाके लग गई। अब तुम्हारा भाई देखो किल चुराने में तो एक्सपर्ट है, मतलब सबसे बड़ा किल चोर तुम्हारा भाई है, तुम्हें तो पता है भाई। डैमेज तो बॉर्ड भी दे देते हैं, असली प्लेयर वही होते हैं जो किल चुराते हैं, वो तो तुम्हें पता है। मतलब उसके अंदर तो कोई तुम्हें धुराए है नहीं, ना कोई डाउट है, ठीक है। तो तुम्हारे भाई ने किल ही चुराया है, आराम से किल चुराया है। मेरा डॉग पता नहीं क्यों आके, वो भी साथ में शायद कमेंट्री करने का मूड कर रहा है, क्योंकि बहुत टाइम बाद हो रही है ना, वो भी आगे भाव 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 कर रहा है। अरे भैया अभी बंदों को मारेंगे, आप भी आ जाओ, इधर आ जाओ, साथ में मिलके मारते, आओ। तो मैं और मेरा डॉग हम दोनों बैठ के यहाँ पे अब आगे जा रहे थे बग्गी में, और सामने ये देखो भाई, सामने ये जो गाड़ी वाला रुका है इसको तो भगा भगा के मारा है। देखो भाई जो DBS है ना, वो ऑफिशियल बेवफा गन है। ऑफिशियल बेवफा गन ऑफ PUBG मोबाइल BGMI इज DBS और S12K और S686 और S1897। ये जितनी भी शॉटगन है ना इस गेम में, सब की सब बेवफा है, कभी ट्रस्ट मत करना इन पे भाई, कब धोखा देते, कुछ सीन नहीं है। मैंने M249 वाले से, मतलब M249 से DBS वाले को बजा दिया, बताओ। वो तो अलग बात है, मैंने हेडशॉट मारे उसे, बट तुम देख रहे हो DBS लेके आया ओपन में, मिस हो गई। शॉटगन की वही दिक्कत है दोस्तों, जब तक तुम्हारे साथ है, जब तक सब सही चल रहा है, सब बढ़िया है, जिस दिन धोखा दिया ना, फटके हाथ में आ जाएगी, डायरेक्ट लॉबी चले जाओगे, समझ रहे हो। तो बेवफा चीज़ है बिल्कुल, कभी भी ट्रस्ट मत करिए शॉटगन को, नेवर ट्रस्ट योर शॉटगन गाइस। एक बार को अपनी एक्स पे ट्रस्ट करके वापस उसके साथ चले जाओ रिलेशनशिप पे, बोल के कि बाबू इट्स ओके, इट्स फाइन बाबू, तुम 100 लड़कों 50 लड़कों के साथ घूम रही थी, इट्स फाइन, आई स्टिल एक्सेप्ट यू, आई एम एन ओपन माइंडेड इंडिविजुअल, ठीक है, फेमिनिज्म ओपी। अब ये देखो तुम्हारे भाई का स्प्रे वापस अप एंड डाउन हो गया था। देखो मुझे किल मिल रहे हैं, मैं किल के लिए डाउट नहीं कर रहा हूँ, बट ये किल ना मुझे और खतरनाक तरीके से मिल सकते थे, मतलब मेरी गोलियाँ फालतू ही मिस हो रही है, मैं क्या बताऊँ। अब तुम्हारा भाई यहाँ पर जा रहा है अपनी बैंडेज वैंडेज मार्क करके बंदों के ढूंढने के लिए, ठीक है। 22 किल हो गए, मतलब फुल मजा आ रहा है, फुल जोश में है तुम्हारा भाई कि आज तो फाड़ देंगे। इतना ज़्यादा जोश आ जाता है ना, देखो अब तुमको क्लियरली पता चल जाएगा कि क्यों ओवर कॉन्फिडेंस बुरी चीज़ होती है, ठीक है। कैप कहें तुम्हारा भाई ओवर कॉन्फिडेंस में इतना ज़्यादा आगे चला जाता है, मतलब मैं क्या बताऊँ भाई, क्या बताऊँ, मैं इतना ज़्यादा खुश हो जाता हूँ, इतना ज़्यादा खुश हो जाता हूँ 22 किल करके, कि लिटरली घुसे जा रहा हूँ, कहीं भी जा रहा हूँ, दिख नहीं रहा है जोन है नहीं है, जाए जा रहा हूँ, बस जाए जा रहा हूँ। अब ये देखो मैं बंदे ढूंढने के लिए एकदम मैप के कोने में आ गया, मैंने कहा कहीं ना कहीं तो मिल ही जाएंगे यार, ऐसा क्या सीन है, किधर चले गए यार ये सब के सब। फिर आती है पीछे से एक गोली, मैंने कहा अरे भाई अब तो गोली वगैरह आ गई है, अब तो मतलब घुस के मार के आऊंगा, इतने में No. 2 प्लेयर को शायद से मेरी चलती गाड़ी से उतार के कोई फिनिश कर देता है, ठीक है। मतलब पूरा सीन क्या बताओ, अब यहाँ पे मैं एक स्क्वाड के बीच में आके गाड़ी रोक के अंदर घुस जाता हूँ। अभी तुम एक चीज़ नोटिस करना है, जोन 20 सेकंड बचे हैं, सिर्फ 20 सेकंड। अब मैं तुम्हें पता हो वैसे पबजी के सर्वर यार बहुत लैग कर रहे हैं यार, मजाक सेट के झूठ भी नहीं कह रहा मैं, बहुत ज़्यादा ही लैग कर रहे हैं। ये देखो तुम, मैं यहाँ पे ग्रेनेड कुक करता हूँ और फेंक भी देता हूँ, बट फटने की आवाज़ ही नहीं आई, मतलब पबजी के सर्वर एक्चुअली में बहुत ज़्यादा लैग कर रहे हैं, झूठ भी नहीं कह रहा मैं। अब यहाँ पर से जोन बाबा चले जाते मेरे ऊपर से, मैंने कहा ठीक है भाई क्या जा रहा है, ज़्यादा HP तो जा नहीं रही, मतलब मेरे को लग रहा था ज़्यादा HP नहीं जा रही है, मगर हमें का पता था कि एक किल करने के चक्कर में, किल की भूख केड़ी के लालच ने तुम्हारे भाई को जो अंधा बनाया ना, इस अकेले बंदे को मारने के चक्कर में मैं जो भागा, मैं जोन के लिए तो भागा, HP भी मारी, मैंने कहा बच जाऊंगा, अरे कोई नहीं बच जाऊंगा, अरे चलता रहता बच जाऊंगा, ज़्यादा HP थोड़ी ना जा रही, बच जाऊंगा, अरे बची जाऊंगी, अरे कोई कर सकता है क्या, एंड्रू भाई के सामने कोई कुछ बोल सकता है क्या, जोन वाले की भी ऐसी की तैसी, अरे बच जाऊंगा, बट मेरा टीममेट ही नहीं बचा। जब मेरा टीममेट नहीं बचा तो मैं कैसे बचूंगा, जब मैं नहीं बचा तो केडी कैसे बचेगी। चिकन डिनर होते होते रह गया, क्या बताऊं। I need all of you to stop what you're doing and listen.